नमस्कार, मैं हूं काजल रस्तोगी और आप देख रहे हैं WNN 360। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बदायूं के कोतवाली क्षेत्र के गांव सलेमपुर से, जहां मिट्टी की ढांग गिरने से दो महिलाओं की मौत हो गई जबकि दो महिलाएं गंभीर रूप से घायल बताई जा रही हैं। घायल महिलाओं को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया तो वहीं मृतकों के शवों को कब्जे में ले पोस्टमार्टम के लिए भेजा, साथ ही जांच शुरू की। हमारे संवाददाता सुनील कुमार के साथ देखें ये रिपोर्ट। छोटे बड़े भाई की वो थी हरियाणी जी। क्या घटना हुई? घटना था, जब मट्टी निकालने गई थी तो वो ऊपर से मान लो नीचे से मट्टी निकाल ली, ऊपर से जाते मान लो ढाई गिर पड़ी तो वो लोग दब गए वहाँ नीचे। अच्छा, कौन कौन मृत हो गए? एक पूनम और एक प्रवेश। घायल कौन? घायल एक संगीता है, दूसरी हरदेई। एक हरदेई। अभी तक तहसीलदार SDM साहब कोई है? नहीं सही, अभी कोई नहीं आता है। कोई नहीं। घटना कितनी देर पहले की? घटना करीब जो लमसम 2 घंटा है चुके, 2 घंटा मान के चलो आगे तक करीब ये, हाँ करीब 1 बजे के आसपास की है ये। ये मतलब महिलाएं, चार तीन महिलाएं थी, एक लड़की थी और वो यहाँ पे पीरा लेने आई थी। पीरा में जो मिट्टी होती है तो वो मतलब धार हो गई थी उसमें गहरी जी, और नीचे से खोद रही मिट्टी जी तो ऊपर से ढार गिर गई उसमें दब गई। उसमें दो महिला की मतलब मौत हो गई। सूर्या के डॉक्टर मनोज महेश्वरी के यहाँ गए थे, उन्होंने वहाँ मृत घोषित कर दिया। और एक लड़की है उसकी हालत गंभीर है और एक महिला है उसकी भी हालत गंभीर है। कुल कितने दबे थे इसमें? 4 लोग थे। तो क्या पीली मिट्टी लेने आई थी? हाँ जी। कौन से गाँव की? सलेमपुर। सलेमपुर की। आपका नाम? मेरा नाम हरविंदर।